मौत जब आनी ही है तो डरना क्या है, हम इसे खेल ही समझा किए हैं, मरना क्या है। यह शेर गोरखपुर में लिखा गया था और अशफाक उल्ला खान लिखने वाले थे। बहरहाल हम बात अशफाक उल्ला खान की नहीं कर रहे हैं, हम बात बंधु सिंह की कर रहे हैं। वही बंधु सिंह जो अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों को फांसी पे चढ़ाया करते थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद जब वो अंग्रेजों के हत्थे चढ़े तो बार बार उन्हें फांसी देने की कोशिश की गई। 7 बार फांसी दी गई लेकिन अंग्रेज नाकाम रहे। अंततः जब उन्होंने स्वीकार किया और माँ से कहा कि हे माँ अब मुझे मुक्ति दो, तब जाके माँ ने स्वीकारा और तब जाके फांसी पे लटकने के बाद बंधु सिंह शहीद हुए। जब बंधु सिंह शहीद हुए तो एक तरकुल का पेड़ जो यहीं पे, आज हम लोग आपको बता दें कि हम लोग गोरखपुर के क्षेत्र में तरकुलहा देवी मंदिर पे आए हुए हैं, यहीं पे एक तरकुल का पेड़ था जहां बंधु सिंह के लटकने के बाद उनकी मृत्यु के बाद एक पेड़ का शीर्ष से खून निकलने लगा। और उस वक्त बताया जाता है, ऐसी मान्यता है कि माता बहुत क्रोधित थी। बहरहाल यहाँ के बारे में और भी जानेंगे लेकिन आपको बता दें उसके बाद उस घटना के बाद से ही यहाँ की मान्यता बढ़ गई। और आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, यह भीड़ आपको बता रही है कि बंधु सिंह कौन थे और उनका माता के साथ स्नेह कितना था। बहरहाल यहाँ के जो मंदिर के पुजारी हैं हम उनके पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जो यहाँ का जो इतिहास रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। क्या मान्यता है आपकी, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम दिनेश त्रिपाठी है और माता जी का मैं सेवक हूँ और मुख्य पुजारी के रूप में यहाँ पर हूँ। माता जी की महिमा बहुत कहा जाए हमारे देश से भी जुड़ा हुआ है, आज़ादी से जुड़ा हुआ, आज़ादी में भी इनकी मुख्य भूमिका रही है। बाबू बंधु सिंह के माध्यम से, बंधु सिंह माता जी के अनन्य भक्त थे, बड़ी आस्था से इनकी सेवा करते थे और पिंडी के रूप में इनकी पूजा करते थे वो तरकुल के पेड़ के नीचे। कहा जाता है कि सुना जाता है कि बलि की पूजा के रूप में पूजा करते थे और जब भी बलि देते तो माता जी बहुत प्रसन्न होती थी। और उस समय आज़ादी का एक लहर था और वो अंग्रेजों की बलि करते थे, बलि करके रक्त चढ़ा देते थे, माता जी बड़ी प्रसन्न रहती थी। अंग्रेज जब भयभीत हो गए तो इनको पकड़ लिया और 7 बार इनको फांसी हुई। 8वीं बार इन्होंने माता जी से अनुनय भी नहीं किया कि मातेश्वरी अपनी शरण में आप हमको ले लीजिए, और उसके बाद माता ने सुन करके इनका उद्धार किया, अपनी शरण में लिया और वहाँ जहाँ पिंडी के रूप में पूजा करते थे वहाँ तरकुल का पेड़ जो था वो टूट गया, रक्त बहने लगा, पिंडी पे चढ़ा, बगल में नदी थी, नदी में बहा, नदी लाल हुई, नदी को देखते हुए लोग वहाँ आए, देखे कि पिंडी के रूप में माता जी का प्रादुर्भाव हुआ और तभी से माता तरकुलही के रूप में यहाँ जय जयकार होने लगी। लोग अनेक तरह के मान्यताओं मान करके यहाँ माता जी की पूजा करने लगे। कितने श्रद्धालु लगभग एक दिन में कितने श्रद्धालु डेली आ जाते हैं? गणना नहीं कहा जाए लेकिन ये है कि ये मान के चलें कि हजारों, दसों हजारों के रूप में यहाँ श्रद्धालु भक्तिभाव से आते हैं, माता जी के प्रसाद और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बेसिकली ये गोरखपुर जिले के अंदर आता है। जी जी, तो वैसे ही गोरखचंद भूमि कहा जाता है गोरखपुर को, और गोरखपुर की धरती से, चौरी चौरा की धरती से बहुत सारे शहीद हुए हैं देश की आज़ादी में। उनके चौरी चौरा की जो नगरी है वो देश की आज़ादी में बहुत मुख्य भूमिका निभाई हुई है। कहा जाता है कि इस नगरी के ऐतिहासिक निर्णय की वजह से गांधी जी को भी अपना आंदोलन स्थगित करना पड़ा। तो यह हमारा जो चौरी चौरा का इतिहास है वो बहुत पुरातन है और देश में ही नहीं विदेशों में इसका नाम वर्णित है। बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया इनसाइड भारत टीवी से बात करने के लिए। जी धन्यवाद। तो ये थे मंदिर के मुख्य पुजारी, और मैं आपको बता दूँ कि ये चौरी चौरा का जिक्र जो हो रहा था, आप इतिहास में इसका जिक्र हमेशा सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। बहरहाल हम लोग तरकुलहा देवी मंदिर पर हैं, पीछे हमारे मंदिर है और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। ये तमाम चीज़ें इस बात का साक्ष्य हैं कि क्या मान्यता है इस मंदिर की। जाते जाते अपना परिचय दे दूँ, मैं विकास गोस्वामी और आप इस वक्त इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर थे।